सोहरा नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? तो आज की वीडियो में हम आपको आपके लिए लेके आए बाजी की तैयारी, टूर्नामेंट की तैयारी का दूसरा भाग। इस भाग में हम जो अपने उड़ान वाले कबूतर हैं इनके, तो आज है तारीख 1 सितंबर। तो इससे पहले जो पार्ट था वो हमने इसमें वो बताया था कि अपना कबूतरों को हमने 1 महीने पहले अलग अलग कर दिया था, नर को अलग कर दिया था, मादियों को अलग कर दिया था, और 1 महीने तक इनको दोनों टाइम मतलब खाना दिया है। खाने में आप देख सकते हैं हमने क्या क्या दिया है इनको। ये देखिए, चने, मक्का और गेहूं। एक टाइम पे गेहूं, चने और मक्का तो कंपलसरी देना था इनको। एक टाइम पे गेहूं और सुबह के टाइम पे रोटी, आप शाम के टाइम पे भी दे सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। तो हमने एक अगस्त से 1 सितंबर तक ये वाली डाइट चलाई है। तो इनसे होता क्या कबूतरों का, जो मतलब कि कबूतर का जब पर खिंचाएंगे तो कबूतरों को पर वापस से आने में खून लगेगा, तो कबूतर को हमको मोटा करना पड़ेगा भी, इसलिए हम हैवी अनाज देते हैं। और अभी कबूतरों को नॉर्मल उड़ाते हैं, नॉर्मल वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी उड़ लेता है। बाकी अब उनके पर खिंचाने वाले, तो आपको पहले कबूतर एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, खोल के भाई, ये अपने नरों ने मतलब बच्चे नर है, ये पट्ठे नर। तो ये वाले जो बच्चे हैं सारे के सारे पंजाबी बच्चे हैं, और ये पट्ठे नर है। ये देखिए, ये बच्चा अभी अपने पास अभी निकला था, ये दोनों बच्चे पहले के हैं। और इधर जो मादिया है वो एक मादी जो लाल है ये पंजाबी मद्रासी क्रॉस में, और जो सफ़ेद वाली मादी कल्दूमी वो प्योर मद्रासी मादी है। आपने देखी होगी उड़ती हुई। तो ये रहे अपने कुछ कबूतर, अभी ये है 5 कबूतर भाई। और जो एक बच्चा है वो बच्चा देखो, ये नहा धो के ये बैठा हुआ है, ये अभी जीरो। और बाकी के जो कबूतर है हम टूर्नामेंट में भाई 1-2 कली के बच्चे उड़ाएंगे, जैसे 0 कली 1 कली 2 कली। हम कम से कम 4 बच्चे 0 कली से लेकर 2 कली तक के उड़ाएंगे। बाकी जो 5 बच्चे हैं वो हम 5 में से एक कबूतर जो है वो बड़ी कबूतर उड़ाएंगे, जो कबूतर पूरे टोल को लेकर चले, और बाकी हम 4-5 कली के बच्चे उड़ाएंगे। मतलब इस हिसाब से हमने एक सेट किया है, इस हिसाब से हमने कबूतरों की तैयारी करी, प्लानिंग करी है। तो अभी तो टाइम हो चुका है, 11 बज चुके, 11 बजे तक अभी तो कबूतरों को नहलाया था मैंने अपने बाकी जोड़े वाले कबूतरों को। बाकी मैंने अभी इनको दाना भी दिया नहीं था, तो दाना सबसे पहले इनको दे देते हैं, उसके बाद देखेंगे अब क्या करते हैं। सबसे पहले इनको दाना डाल देता हूँ मैं, दाना इनको अभी दोनों टाइम अंदर ही डाला हूँ। ये देखिए भाई, जो कबूतर है भाई चने और मक्का ज़्यादा खाते हैं मेरे, क्योंकि इनको 1 महीने में चने और मक्का खाने की बहुत आदत हो गई है, चने और मक्का बहुत खा रहे थे। ये देखिए आपके सामने, जैसे ही देख सकते हैं चने चने उठा रहा भाई। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि यार कबूतरों में मतलब कि कभी मतलब ब्लड की कमी नहीं होगी, जब भी मतलब कि अपना पर वगैरह खींचेंगे तो कबूतर है ना जब तक पर आएंगे जब तक कमज़ोर नहीं होंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से कबूतर खाना खा रहे हैं। तो अब दाना पलटते हैं। आप ये जो है गेहूँ है, ये देखिए इधर कबूतरों ने लगभग दाना खा लिया है, 5 मिनट से ऊपर हो चुका है। हट रही हट, ये अभी मादियों को दाना अपन देंगे, आओ। ये मादी ने दाना खा लिया, देखिए तब नरों को अपन मादिनों को देते। ये जो चने हैं उन्हें निकाल के रखे थे इनको दे देता हूँ, चने डाल देता हूँ मैं। देखिए लो, ओ ओ चने डाल दिए मैंने यहाँ पे। दूसरी ट्रे में हम यहाँ पे इसमें गेहूँ डाल देंगे, नरों को देंगे गेहूँ। आओ आओ ले, नरों को गेहूँ डालते हैं हम ऐसा करके भाई, बदल बदल के दाना देना पड़ता है उड़ान वाले कबूतरों को, क्योंकि अभी ये झाड़े में आ जाएंगे मतलब इनके पर खींचा जाएंगे, तो पर आने में भाई काफ़ी ज़्यादा खून लगता है, इसलिए इनको अच्छा दाना देना पड़ता है पेट भर के बिल्कुल, ताकि कुछ भी कमी ना रहे पर आने में। अगर पर आने में कबूतर कमज़ोर हो जाता है खून कमी के कारण, तो फिर वो टूर्नामेंट में भाई बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कबूतर एक बार कमज़ोर हो गया, क्योंकि अपन सितंबर में पर खींचेंगे तो भाई अक्टूबर में 5 या 10 तारीख तक पूरे पर कंप्लीट आते हैं। पर कंप्लीट आने में कम से कम 35 से 40 दिन लगते हैं, वैसे तो 30 दिन में आ जाते हैं, फिर भी हम 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा मानते हैं,
तो अगर 10 अक्टूबर तक माने तो अपने पास फिर सिर्फ 2 महीने ही बचते, तो कबूतर अगर सूखे वगैरह में आ गया या फिर कुछ बीमार हो गया तो उसको वापस से मतलब कि अपन एक टाइम दाने पे नहीं ला सकते, क्योंकि अगर कबूतर कमज़ोर होगा तो उसको अपन एक टाइम दाने पे लाएंगे तो और कमज़ोर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा पूरा कबूतर। इसलिए उसको अपन इस टाइम पे जो अभी 1 महीने अपन रोकते कबूतरों को, मतलब कि अभी सितम जब तक पर आएंगे उनके, ये तो अपन को रोकना ही पड़ता है। प्लस इसके पहला वाला जो महीना रहता है, जैसे कि अपन 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जब रोकते हैं तब भी कबूतरों को बढ़िया दाना देना पड़ता है, ताकि कबूतर मतलब कि जो पहले से ही मतलब जो कमी वगैरह है, कमज़ोर वगैरह, तो पहले ही वो कमज़ोरी पूरी हो जाए, उसके बाद उसके पर खींचते हैं ताकि कबूतर कमज़ोर ना रहे। तो अब दोनों कबूतरों ने मतलब नर मादिनों ने दोनों साइड खाना शायद खा लिया है, अभी मादिन का थोड़ा बाकी है। तो अब नरों को अपन पानी डालते हैं। ये देखिए अपना ये 3 लीटर वाला ड्रिंकर है, ये वाटर ड्रिंकर, जिसको भी भाई वाटर ड्रिंकर चाहिए ये वाला 3 लीटर वाला, तो भाई मेरे को कॉन्टेक्ट करें। ये देखिए उसको रख देते हैं यहाँ पर, आओ अभी कबूतर से पानी पीते हैं। जैसे जैसे कबूतर पानी पीते आते इसमें से आता जाता ऊपर से, ये देखिए वही नरों के पिंजरे में लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी होता है, उन लोगों को थोड़ा संभालना पड़ता है। ये देखिए भाई इस टाइप से कबूतर पानी पीता है, इसके अंदर मुंडी डाल के, तो इसमें फ़ायदा ही रहता है भाई, कबूतर पानी गंदा नहीं कर पाते हैं। और अपन इनके सामने अगर अपन कटोरा वगैरह कुछ भर के रखेंगे तो कबूतर नहाने लग जाते हैं, और उसमें भाई नहाने वगैरह कोई चांस नहीं रहता। कबूतर सिर्फ मुंडी घुसा के फिर पानी ही पी सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। चलिए अब इनने पानी पी लिया है, उसको हटा लेते पानी को, और अब 5 मिनट बाद अपन मादिनों के पिंजरे में पानी रखेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो भाई उड़ान वाले कबूतरों की संभाल आप देख सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि जोड़े वालों का सिस्टम अलग रहता है भाई, बस खोल दो और दाना डाल दो पूरा इकट्ठा एक बार में और खाते रहेंगे। जैसे कि अपन जोड़े वाले सारे घूम रहे, कोई अपन बेफिक्र है बिल्कुल, बाकी उड़ान वाले कबूतरों के संभाल करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं अभी उसको 2-3 बार दाना बदलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और अभी तो ये तो स्टार्टिंग है सिर्फ, अभी तो पर खिंचाने के बाद भाई और उनको मेडिसिन चलानी पड़ेगी और संभाल करनी पड़ेगी, काफ़ी मुश्किल है टूर्नामेंट वगैरह बाजी वगैरह की तैयारी करना। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।